हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय क्लास। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि किस तरह से CDM अर्थात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने लोगों को प्रभावित किया, अट्रैक्ट किया, और डिफरेंट क्लास के लोग जो हमारे देश के डिफरेंट डाइवर्स रीजन में रहते रहे हैं उस समय थे, किस तरह से रेस्पॉन्स दिया इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट, शहरी क्षेत्र में जो कुछ भी हमने देखा, इसके अलावा जो अगर देखे हैं जो और दूसरा पार्ट जो है, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज क्वाइट डिफरेंट टू ईच अदर। हर एक अपने इंटरेस्ट थे, सब अपने लिए, अपने लाभ के लिए इस मूवमेंट से जुड़े थे, उनका लगाव बना था। इसी कारण तो गांधी जी ने कैसे वास्तव में सिंबोलिक काउज को चुना था, कंसर्न को चुना था, जिसके कारण अधिकतम लोग इस देश के इस CDM से जुड़ सके। और वो फैक्टर था नमक का, सॉल्ट टैक्स पर जो उसने अपना स्टेप लिया और ये बताया कि किस प्रकार से जो है सॉल्ट टैक्स जो है पूरी तरह से जो है अनजस्टिफाइड है, और जो बैन लगाया गया मैन्युफैक्चरिंग पर इंडियन पेजेंट्री के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी जो है प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। इसलिए जब उसने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने की सिंबॉलिक घोषणा की, टू ब्रेक द लॉ, टू डिनाई टू ओबे द गवर्नमेंट लॉ, तो लोगों ने उनका काफी उत्साह से साथ दिया, सहयोग दिया और उनको फॉलो किया। मेजर सोशल ग्रुप्स जो थे उस समय, अगर उसको हम क्लासिफाई करें तो ये चार ग्रुप मुख्यतः थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे आंदोलन में। पेजेंट्री, कृषक वर्ग, हमारा देश कृषि प्रधान रहा है तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वास्तव में प्रेजेंटेशन जो है तो पेजेंट्री का ही है। बिजनेस कम्युनिटी, कुछ लोग बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तब तक खास करके फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच, हालांकि प्रक्रिया पहले शुरू हो गई थी, भारत में इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, वो ब्रिटेन के भी थे और इंडिजिनस भी थे। और इस तरह से जो शहरी क्षेत्र में अच्छा खासा जो प्रसार हो रहा था, भले ही छोटे ही स्तर पर था इंडस्ट्री, इसमें काम करने वाले वर्कर्स भी अब काफ़ी संख्या में हो गए थे, तो इनका भी एक अलग वर्किंग क्लास था। और वुमेन ये भी इस राष्ट्रीय आंदोलन से एक नए नए रूप में अधिक संख्या में जुड़े थे, जो कि वास्तव में ऑपरेशन मूवमेंट में इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता था, लेकिन इस बार वो काफ़ी जोश व खरोश से इस मूवमेंट से जुड़ी थी। तो एक जो है वर्ग उनका, अगर हम पेजेंट्री की बात करें तो पेजेंट्री भी दो प्रकार की, कृषक वर्ग जो था यहाँ भारत में, कुछ लैंड लॉक थे, बड़े बड़े किसान थे, वो परमानेंट सेटलमेंट पैटर्न हो या फिर रैयतवाड़ी या महलवाड़ी, इन तीनों ही रेवेन्यू सेटलमेंट पैटर्न्स में बड़े किसान और छोटे किसान, असामी लोग इसे कहते हैं, है ना, स्मॉल टेनेंट, जिनको कि बीघा दो बीघा बहुत ही कम जो है एक छोटा प्लॉट कर सकते हैं ही खेती के लिए उनके पास अपने पोजिशन में उपलब्ध था। तो ये दो प्रकार के हैं, इसलिए दोनों ही वर्ग, रिच पीजेंट्स एंड पुअर पीजेंट्स, इनका जो रिएक्शन था, इनका जो रेस्पॉन्स था इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट था। इसे रिच पीजेंट्स में ऐसे तो समूचे देश के स्तर पे, वो पंजाब हो या आसाम हो, बंगाल हो या फिर तमिलनाडु, कहीं भी ये रिच पीजेंट्स थे, लेकिन उदाहरण के तौर पे जो हमारे पास CBSE के इस NCERT बुक्स में है, तो पट्टीदार ऑफ गुजरात वो काफ़ी संपन्न और धनी किसान वर्ग था, और UP के जाट लोग, इन लोगों ने काफ़ी जोश खरोश के साथ
इस आंदोलन में भाग लिया। उसके मुख्य कारण क्या थे, बड़े बड़े जो किसान वर्ग थे जिनके काफ़ी वेस्टेड इंटरेस्ट थे, अच्छा खासा इनका इनकम भी था, इन लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो है इस CDM में पार्टिसिपेट किया। उसके मुख्य कारण क्या क्या थे, फॉलिंग डिमांड्स इन वर्ल्ड मार्केट ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन, डिमांड ऑफ कैश क्रॉप्स ऑल्सो फेल शार्पली, इट रिजल्टेड इन ए शार्प फॉल ऑफ इट्स प्राइस इन द मार्केट। हकीकत यह कि इन बड़े किसानों के पास क्योंकि काफ़ी बड़े प्लॉट्स थे तो स्टेपल फूड प्रोड्यूस करने का इन पर कोई विशेष दबाव नहीं था, वो बड़े आसानी से कर सकते थे। सामान्यतया इसीलिए कैश क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे अपने खेतों में, क्योंकि इसको बाजार में आसानी से एज रॉ मटेरियल बेचा भी जाता था और इसकी अच्छी खासी प्राइस भी मिलती थी। वर्ल्ड मार्केट में इसकी डिमांड थी, इंग्लैंड के मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड थी, लेकिन ड्यू टू द लॉन्ग टर्म डिप्रेशन वर्ल्ड वाइड, दुनिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आर्थिक मंदी का जो दौर चला था, खास करके 1929-30-31 के आसपास, ये जो अपने चरम पे था, क्लाइमेक्स पे था, ऐसे में दुनिया में वस्तुओं की डिमांड घट चुकी थी, और जब डिमांड घट जाता है तो स्वाभाविक तौर पे चीज़ों के दाम घट जाते हैं। यही इसके साथ भी है, जो भी कैश क्रॉप एक किसान उपजाते थे जिनको जिनसे इनको अच्छा खासा मुनाफा होता था, खास करके जो रेवेन्यू जो पेड करते थे गवर्नमेंट को, तो उसमें ये कैश क्रॉप्स के जो अच्छी कीमत जो होती थी काफ़ी हेल्पफुल होता था, उनके लिए सेविंग भी होता था। लेकिन अब ये परिणाम बिल्कुल जो है निगेटिव जा रहा था, चीज़ों के दाम घट गए थे, इस कोई पूछ नहीं रहा था इस उपज को, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बड़े बड़े व्यापारी अब इसे खरीदना ही नहीं चाह रहे थे। सो इट रिजल्टेड इन शार्प फॉल ऑफ इट्स प्राइस इन द मार्केट। कैश क्रॉप्स जो भी उपजाए इन किसानों ने, इनकी कीमत काफ़ी घट गई, और ये एक साल नहीं चला, ये प्रक्रिया कई साल तक लगातार चलती रही। इससे इन बड़े किसानों की हालत खराब हो गई, और नतीजा क्या है कि ऑनलाइन रेवेन्यू जो पे करते थे समय पे, नाउ दे फाउंड इनकैपेबल टू पे ऑनलाइन रेवेन्यू इन टाइम। डिससेटिस्फैक्शन इंक्रीज, इन लोग की जो कह सकते हैं कि स्थिति जो इतनी खराब थी, और गवर्नमेंट ने इन पर दबाव डाला कि क्योंकि उनका तो बजट होता था हर साल, इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर सुनिश्चित होने चाहिए। जनरली इंडियन गवर्नमेंट हैड ट्राइड देयर बेस्ट, तो समय पे इनको लैंड रेवेन्यू पेड करने के लिए सरकार से दबाव भी था, जिससे काफ़ी असंतोष थे, इनमें काफ़ी जो है गुस्सा था। सो डिससेटिस्फैक्शन इंक्रीज वेन गवर्नमेंट डिनाइड टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कृपया जो रेवेन्यू की डिमांड है फुलफिल किया जाए, पेड किया जाए, उसे रोक दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने उसको माना नहीं। सो दे वेर इन मिजरेबल कंडीशन, और जैसे ही गांधी जी ने शुरू किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें कहा कि गवर्नमेंट का आदेश को नहीं मानना है, ब्रेक द लॉ, तो इनके लिए बड़ा अच्छा अवसर था, और दैट्स व्हाई दिस ग्रुप हैड जॉइंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इट्स फुल स्ट्रेंथ। बड़े जोश और खरोश से ये पूरा जो है संपन्न कृषक वर्ग भारत के जो विभिन्न भागों में थे, इन्होंने इस आंदोलन को ज्वाइन किया। इट वॉज रियली इन अगेंस्ट द हाई डिमांड ऑफ रेवेन्यू। ये वास्तव में कानून को तोड़ने के आदि थे नहीं, लेकिन चूंकि इनके ऊपर प्रेशर इतना था रेवेन्यू पेड करने का गवर्नमेंट की ओर से, इसके कारण ये मजबूर थे, और इसी मजबूरी में गांधी जी ने जो उनको अवसर दिया एक राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का, जिससे हो सकता था, इनमें उम्मीद जगी कि अगर इस आंदोलन से हम जुड़ते हैं तो शायद हमारी डिमांड मटेरियलाइज हो जाएगी, सरकार मान लेगी, और इस तरह से उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है। दैट्स व्हाई जॉइंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इट्स फुल स्ट्रेंथ। आगे हम देखते हैं इसी के संबंध में और दूसरे स्लाइड में। नाउ द रेस्पॉन्स टुवर्ड द CDM ऑफ द रिच पीजेंट्री वॉज क्वाइट डिफरेंट। व्हेन गांधी जी कॉल्ड ऑफ
द मूवमेंट विदाउट मेकिंग एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट एंड एट दैट टाइम द वायसराय वाज लॉर्ड इरविन रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ हाईलैंड रेवेन्यू डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट्स वाई दी पीजेंट्स विच वी आर पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट बिकेम वेरी मच डिसअपॉइंटेड. एक बड़ा वर्ग किसानों का जो काफी इन्फ्लुएंशियल था संपूर्ण भारत में, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर उसने हिस्सा लिया था. जब उनके कंसर्न को गांधी जी ने जो एग्रीमेंट किया लॉर्ड इरविन के साथ, लॉर्ड गांधी इरविन जो समझौता हुआ, उसमें कहीं से भी इनकी डिमांड को तवज्जो दिया ही नहीं गया, कोई जगह दी ही नहीं गांधी जी ने. इससे एक किसान काफी निराश हुआ. That's why, when Gandhi ji returned empty-handed after the second round table conference in London, where they participated in it, and started once again this civil disobedience movement, this class, the rich peasantry class, did not respond positively. That's why. It is because when Gandhiji relaunched this movement, they kept themselves aside from the movement. कोई खास उसने रुचि दिखाई नहीं. और धीरे धीरे फिर जाकर हम जानते ही हैं कि ये सब है सभी नए अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934 तक जाते जाते, क्योंकि बहुत बड़े वर्ग का समर्थन इसको रहा नहीं, अपने आप समाप्त हो गया. अब अगर दूसरे क्लास की ओर देखें, एक दूसरा वर्ग जो था पेजेंट्री में, जो संख्या में ज्यादा था, प्रभाव में अगर रिच पीजेंट्री थी तो संख्या में पुअर पीजेंट्री ज्यादा थी. तो रेस्पॉन्स ऑफ पुअर पीजेंट्री व्हाट वाज टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इनके साथ भी समस्या कुछ मिलती जुलती थी. हाईलैंड रेवेन्यू वाज आल्सो अ डीप कंसर्न फॉर द पुअर पीजेंट्स. इनके पास जो बीघे दो बीघे खेती के लिए थे, रेंट पर इनको जो है हाई रेंट पे जो है लोकल जमींदार या बड़े बड़े किसान भी खेती करने के लिए देते थे और जिनसे इनका गुजारा होता था. लेकिन इन रिटर्न ए लैंडलॉर्ड इनको काफी हाई लैंड रेंटल डिमांड करते थे. तो कंडीशन इनकी बहुत खराब थी. प्राइस ऑफ प्रोड्यूस फेल शार्पली व्हिच लेफ्ट द फार्मर्स विद नो ऑप्शन टू डिनाई टू पे लैंड रेवेन्यू टू देयर लोकल लॉर्ड्स. जो उनके मालिक थे नजदीक के खेत के मालिक, उन लोग इन छोटे किसानों ने रेवेन्यू देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं देने को. जो कुछ अगर उनके खेतों में एज एग्रो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते भी थे, उनके दाम मार्केट में इतने घट गए थे कि वे किसी भी स्थिति में अपने इस छोटे प्रोड्यूस में, स्मॉल जो प्रोड्यूस था उसमें से लैंड रेवेन्यू दे पाने में असमर्थ. जीना पहले जरूरी था, सर्वाइवल पर इनका प्रश्न चिन्ह था. दैट्स व्हाई डिनाई टू पे लैंड रेवेन्यू. कंडीशन यहां भी खराब हो गई, अलार्मिंग हो गई. दे वांटेड रिविडेंस ऑफ अनपेड रेवेन्यू. वो जमींदार से ये नहीं चाहते थे कि अगले साल हम फिर पेड करेंगे, क्योंकि वो जानते थे अगले साल भी कुछ ऐसा ही होगा. समय काफी लंबा चला, डिप्रेशन का पीरियड. वो चाहते थे हमें माफी मिल जाए, हमको ना देना पड़े, क्योंकि उनकी स्थिति थी नहीं और कोई ऐसी वास्तव में फ्यूचर में उनके लिए उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि उनके साथ अनसर्टेनिटी होती थी कि जो खेत उनको जोतने के लिए दिए जाते थे वो अगले साल दिए जाएंगे या नहीं, इसकी अनिश्चितता होती थी. इन बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की पॉलिसी थी कि जो अधिक लैंड रेवेन्यू देता था उसको ये अपने खेत जो है ट्रांसफर कर देते थे, उनको जोतने के लिए दिए देते थे कल्टीवेट करने के लिए. ऐसे में इस अनिश्चितता ने इनको मजबूर किया कि वे अपने जमींदारों से, मालिकों से ये आग्रह करें कि हमें पूर्ण माफी मिल जाए, सिंस दे वेर इनकैपेबल टू पे द लैंड रेवेन्यू बट देयर लैंड लॉट बट फेल. यानी कि इन लोगों को ऐसा वास्तव में एश्योरेंस नहीं मिला अपने लोकल लॉट्स.
साथ ही साथ इनके साथ दोहरी समस्या थी। कांग्रेस जो उस समय समूचे देश के स्तर पर जो पॉलिटिकली रिप्रेजेंट कर रही थी भारत को सरकार के सामने, उसमें बड़े किसानों का ज़्यादा प्रभाव था। वो है ना, उसके सम्मेलन में कन्फ्रेंस में जाते थे, चंदा देते थे, विभिन्न जो है प्रकार के प्रदर्शनों में भाग लिया करते थे, काफ़ी एक्टिव थे ये बड़े किसान, उनका उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। ऐसे में इनके गृहांशेज को कांग्रेस ने कभी जो है ठीक से उठाया तक नहीं। सीम्स इन दी कांग्रेस रिच पीएंट्री एंड लैंड लॉर्ड्स हैड ग्रेटर इन्फ्लुएंस, दैट्स व्हाई दी फार्मर्स अट्रैक्टेड टू रेडिकल एंड सोशलिस्ट फोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। उस समय तक भारत में सोशलिज्म एक पॉलिटिकल स्ट्रीम के तौर पे, एक विचारधारा के तौर पे आ चुका, ढेर सारे लीडर इससे प्रभावित थे। रूस में इसके प्रभाव को और वहाँ जो परिवर्तन आए थे उसको देखा सुना और अध्ययन किया जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी भारत में, ट्रेड यूनियन की स्थापना हो चुकी थी, कई प्रकार के जो है लेबर लॉज जो है रिफॉर्म आ चुके थे। ऐसे में इन समाजवादी नेताओं का, समाजवादी धारा के नेताओं का काफ़ी वर्चस्व हो गया था, लोगों पर अच्छा खासा प्रभाव था, किसान आंदोलन जो है खड़े हो रहे थे। लोकल जो है जैसे बिहार में सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा और बाबा रामचंद्र यूपी में ऑपरेट कर रहे थे, जो इन किसानों की समस्याओं से ज़्यादा अच्छी तरह से परिचित थे और वे ज़्यादा अच्छी तरह से इसको उठा पाने में भी सक्षम थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की ओर ये लोग जो है अब अग्रसर थे। तो ऐसे में दे बिगन सेपरेट मूवमेंट अगेंस्ट दीज लोकल लैंडलॉर्ड्स एंड डिड नॉट सो मच इंटरेस्ट इन सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट। इसीलिए जो रेडिकल फोर्सेस थे समाज में, कुछ क्रांतिकारी आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, और जो सोशलिस्ट फोर्सेस थे, इन दोनों की ओर इन गरीब किसानों का सहज झुकाव हो गया। उन्हें यह उम्मीद की किरण जगी कि जो लोकल लैंडलॉर्ड से वे ऑपरेस्ट थे, उनसे पीड़ित थे, उनके खिलाफ अगर कहीं कुछ न्याय मिलेगा तो शायद इन्हीं आंदोलनों से मिलेगा। यही कारण कि ये छोटे किसान सामान्यतया, अपवाद स्वरूप नहीं, सामान्यतया इस सिविल डिसऑर्डिनेंस से मूवमेंट से दूर रहे। हालांकि बहुत सारे इलाके में ये इस आंदोलन से जुड़े रहे, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रही। आज की वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में इससे जुड़े हुए जो दूसरे फैक्टर्स हैं, बिजनेस क्लास के का रिस्पॉन्स है, इंडस्ट्रियल लेबर का रिस्पॉन्स है, या जो फिर वोमेन का रिस्पॉन्स है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।